राम जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएससी एग्जाम मंत्रा में। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स जो भी हैं उन सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से रीजनिंग में आप 40 में से 40 का स्कोर कर सकते हैं और किस प्रकार से मैंने 40 में से 40 का स्कोर रीजनिंग में किया था। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियोस तो ऑलरेडी मैं बना चुका था कि किस प्रकार से आपको 140 प्लस स्कोर करना है एसएससी जीडी में। मैंने 3 या 4 इंटरव्यूज़ भी लिए जिन लड़कों के 140 प्लस मार्क्स थे एसएससी जीडी में। और आज जो है, और इससे पहले मैंने भी बता दिया था आपको कि एक वीडियो में ही मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स का आपको बता दिया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का आज स्पेशल जो है वीडियो बनाई जाए सिर्फ रीजनिंग को लेकर के कि किस प्रकार से रीजनिंग में आप 40 का स्कोर कर सकते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं रीजनिंग में और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं रीजनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है, रीजनिंग का सिलेबस ना सिर्फ छोटा है, ना सिर्फ इसका पेपर जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, बल्कि इसको कवर करना भी बहुत आसान है और 10 दिन में भी आप चाहें तो इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ट्रिक्स क्या 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 इसकी ट्रिक्स हैं और कैसे मैंने 40 स्कोर किया था वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। अगर इसके बाद आपने फिर रीजनिंग की और वीडियोज़ देखी कि किस प्रकार से स्कोर बूस्ट करें, इम्प्रूव करें, तो आप मूर्खता करेंगे समझता हूँ मैं। तो बार बार वीडियोज़, ज़्यादा वीडियोज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप मेहनत करेंगे ऑन पेपर, कागज़ पर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस नोट करना है। आप क्या कहते हैं, सिलेबस उठाइए रीजनिंग का कि क्या क्या आता है एग्ज़ाम में और उस सारे पूरे चैप्टर्स को नोट कर लीजिए पहले। जैसे मान लो कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस है ना, नंबर सीरीज़, एनालॉजी, सारे आपको जो टॉपिक्स हैं वो नोट करने हैं कागज़ में। लगभग 24-25 वो टॉपिक्स हैं जो कि आते ही आते हैं। ठीक है, आपने सारे टॉपिक्स नोट कर लिए एक बार, फिर आपको अगर आपने ये उनके लिए जो जीरो हैं जिनको कभी आज तक जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी नहीं वो भी 10 दिन में कर सकता है। मैंने 5 दिन में रीजनिंग कंप्लीट करी हुई अपनी। ठीक है, जो सिलेबस होता है, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यूट्यूब चैनल खोलना है, और 1 by 1 आपको वो टॉपिक सर्च करने हैं, एक टॉपिक पर एक वीडियो देखनी है बस। या आपका और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे कि एग्जामपुर है या आर्ट ब्लू है, इनकी 25-30-40 वीडियोस होंगी, प्लेलिस्ट होगी आधे आधे घंटे की या 20-20 मिनट की, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं। आप उनके थ्रू उनको एक बार देख लो, सारी वीडियोस देख लो एक बार, और कसम खा के कह रहा हूँ कभी आप फिर वो बोलोगे नहीं चीज़ों, बस शर्ते आप प्रैक्टिस करें। आपने वो सारी वीडियोस देखी, फिर आपने उनकी प्रैक्टिस करी। जैसे मान लो आज मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग देखा, फिर थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस कर ली, आपके दिमाग में छप जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है रीजनिंग में 40 स्कोर करना। ठीक है, फिर आपने वो टॉपिक नोट किया, वीडियो देखी उसकी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस लगा ली। प्रैक्टिस RW की बुक में हमेशा बताता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल बस आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ से कर सकते हो इस चीज़ को। RW की बुक लगा लो, आपका किरण की बुक आती है वो लगा लो, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं प्रमोशन करता ही नहीं हूँ। मेरे पास बहुत मेल्स आते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन मैंने आज तक कभी प्रमोशन अभी तक नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ बस। तो फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाइए, RW पर मॉक लगाइए। RW तो शायद देता नहीं है मॉक सेक्शनल या चैप्टर वाइज, मुझे पता भी नहीं, मैंने कभी काफ़ी टाइम से मॉक नहीं लगाए, तो टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाओ और 100% मैं गारंटी खा कहता हूँ कि आपका स्कोर होगा। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको जो करनी है वो लेटर्स किस याद करने की, कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आता है, और उसके लिए भी ट्रिक्स हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना आप हाउ टू रिमेंबर लर्न सीरीज़ या अल्फ़ाबेट्स नंबर वगैरह, इनके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स से। बहुत मुझसे आज के टाइम में कोई सभी लेटर पूछ लो, L कौन से नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, M 13 पर आता है, ठीक है, N 14 पर आता है, कुछ भी पूछ लो, R 18 पर आता है, ठीक है, F 6 पर आता है, कैसे आता है, सब ट्रिक्स हैं बहुत ही आसान तरीके से। L फॉर लव 12 नंबर पर आता है, ठीक है, आप प्यार करोगे तो आपके 12 पर जाएंगे, L फॉर लव 12। 6 फिक्स उसको हमने 6 कर दिया, 6 नंबर पर आ गया। जैसे मैंने बोला R को मेरा खुद का लेटर है, R देखो मुझे ऐसे याद था डरा, ठीक है, उसी प्रकार से और जैसे। तो बहुत ही सिंपल है, कोशिश करनी है कि यहाँ पर मार नहीं खानी किसी प्रकार से। मेरा हाथ भी दुख गया है वीडियो बनाते बनाते अभी आपके लिए, कोई सिस्टम मेरे पास नहीं है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का साधन संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर ला सकता हूँ सामान, इतना ऑर्डर ही नहीं कर सकता। अब हमारे पास जो है हमें परमिशन ही नहीं इन सब चीज़ों की। बड़ी मुश्किल से मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपका जो स्कोर होगा
उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज सब्सक्राइब लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, अगर आपके 40 में से 40 नंबर आ जाएँ तो मेरे लिए वही मेरा गिफ्ट होगा आज का, वही मेरा जो है मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तभी मैं चाहता हूँ आप सबको सिलेक्शन हो इस बार, ठीक है? तो सिलेक्शन लेना है और अपनी पसंद की पोस्ट लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चलो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।